To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों तो आज हम देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास को इंटीग्रेशन। को इंटीग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स का उन कॉन्सेप्ट्स में से है जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन सी रहती है। मतलब तो लफ्ज़ तो पता होता है को इंटीग्रेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है, कब कहेंगे को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, ज़रूरी क्यों है को इंटीग्रेशन का होना, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था स्पूरियस रिग्रेशन का। स्पूरियस रिग्रेशन में हमने ये देखा था कि अगर हम नॉन स्टेशनरी सीरीज़ को, अभी नॉन स्टेशनरी क्या है इसके लिए पूरा पुराना लेक्चर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, कि अगर हम नॉन स्टेशनरी सीरीज़ पर रिग्रेशन रन करते हैं तो वो मॉडल को ओवरफिट कर देता है, यानी OLS के जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल नहीं होते, वो ओवरफिटेड आते हैं। मॉडल देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन वेरिएबल के रिलेशनशिप उतने स्ट्रांग नहीं होते, इस वजह से उस तरह की रिग्रेशन को हम कहते हैं स्पूरियस रिग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स पे OLS रन करेंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि जो रिजल्ट हो, जो रिग्रेशन हो, वो स्पूरियस हो जाए, वो ओवरफिट हो जाए। अब फिर हमने स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट देखा कि स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी कहते हैं किसको, तो वो तीन कंडीशन हमें बताया, अगर मीन कांस्टेंट हो, वेरिएंस कांस्टेंट हो और कोवेरिएंस कांस्टेंट हो, तो हम कहेंगे सीरीज को स्टेशनरी। अब फिर हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि स्टेशनरी क्यों ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल हम दो सीरीज लें, ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, अभी आप देख सकते हैं इसका मीन भी कांस्टेंट, इसका वेरिएंस भी कांस्टेंट, इसका कोवेरिएंस भी कांस्टेंट। तो जब ये तीनों चीज़ें दोनों सीरीज की कांस्टेंट है, लेट्स सपोज ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इनके दरमियान का गैप देखें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा था क्योंकि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम OLS रन करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये जो अल्फा बीटा निकलेगा क्योंकि थ्रू आउट द सैंपल कांस्टेंट है, तो फिर हम ये बात कह सकेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा निकला ये ट्रू रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में OLS उसी वक्त सही होगी जो हमने कहा था कि सीरीज कैसी हो, स्टेशनरी हो। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक और फाइनेंस के वेरिएबल होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो टाइम के साथ उसमें इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज हमें नज़र आ रहा होता है। तो अगर हमारे पास, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल केस है, क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएबल कैसे हों, नॉन स्टेशनरी हों, यानी उनमें ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो, टाइम के साथ उनमें इजाफा या कमी हो रही हो, तो क्या ऐसी सूरत में हम OLS रन कर ही नहीं सकते? क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम अल्फा बीटा OLS के थ्रू मालूम करें? इसी चीज़ को कवर करने के लिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, को इंटीग्रेशन। अब देखें, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि जब वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम OLS क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक टेक्निकल टर्म, अगर किसी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ हो I0, तो इसका मतलब है स्टेशनरी एट लेवल। और अगर किसी वेरिएबल के लिखा I1 लिखा हुआ हो तो स्टेशनरी एट फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है लेवल पे नहीं है, फर्स्ट डिफरेंस पर ही स्टेशनरी है। अब देखें, आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। तो अगर हम यहां रखें टाइम, यहां रखें y, यहां रखें x, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले y ड्रॉ करते हैं, और y हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक y की सीरीज है, दिस इज y, ठीक है, और ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक x ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आ गया x, ये हमने x ड्रॉ कर दिया, हमने y ड्रॉ किया, हमने x ड्रॉ किया, दोनों देख रहे हैं कि हमें टाइम के साथ साथ दोनों इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, नॉन स्टेशनरी है, लेवल पे कैसे हैं, नॉन स्टेशनरी है। फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद भले स्टेशनरी हो, लेवल पे कैसे नॉन स्टेशनरी है, ओके। और हमें यही चीज़ पता करनी है, क्या हम इन
नॉन स्टेशनरी सीरीज का, नॉन स्टेशनरी सीरीज का लेवल वैल्यूज के साथ रेग्रेशन रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी अगर हम इस वक्त y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x रन कर लें तो हमें नजर आ रहा है क्योंकि दोनों सीरीज कैसी हैं, नॉन स्टेशनरी है, तो नॉन स्टेशनरी सीरीज में रेग्रेशन रन करेंगे, रेग्रेशन कैसी हो जाएगी, स्पूरियस हो जाएगी क्योंकि उसमें टाइम के साथ ट्रेंड मौजूद हो सकता है, मॉडल ओवरफिट नजर आए। हम यही बात कंफर्म करेंगे पहले कि क्या इन नॉन स्टेशनरी सीरीज के साथ हम OLS रन कर सकते हैं, इस बात की जो कंफर्मेशन देगा कि हाँ आप इस नॉन स्टेशनरी सीरीज के साथ OLS रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके पास कहलाता है कोइंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो कैसे, वो भी ग्राफिकल देखेंगे। देखें, ये तो वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है। अब जो रिलेशनशिप हमारे पास नजर आ रहा है वो y और x का नजर तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ y और x की वैल्यू से नजर नहीं आ रहा, एक तरफ y है और दूसरी तरफ अल्फा प्लस बीटा x है। ये पूरी इक्वेशन इस तरफ है ना, और अगर इसकी वैल्यू निकालने को कहूं तो ये जो निकलता है हमारे पास इक्वेशन से वो आपके पास निकलेगा वाई कैप, इससे निकलेगा एस्टिमेटेड वाई, और ये जो ओरिजिनल है ये एक्चुअल वाई, और अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं वाई माइनस वाई कैप तो ये आपके पास कहलाएगा एरर, एरर है एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड। अब देखें गौर से, यहां मैंने वाई ड्रॉ किया, y ड्रॉ में नॉन स्टेशनरी नजर आया, फिर हमने x ड्रॉ किया, x हमें कैसे नजर आया, नॉन स्टेशनरी नजर आया। अब हमें ये पता करना है कि क्या हम इन नॉन स्टेशनरी सीरीज में OLS रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज की कंफर्मेशन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, को इंटीग्रेशन। अगर को इंटीग्रेशन होगी तो हम कहेंगे कि OLS अप्लाई कर सकते हैं, और को इंटीग्रेशन नहीं है तो आप OLS अप्लाई नहीं कर सकते। तो को इंटीग्रेशन असल में बताती क्या है, कैसे बताती है कि OLS अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, यहां तो मैंने y ड्रॉ किया, यहां मैंने x ड्रॉ किया, अब जो लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूं ना, ना वो y है ना वो x है, वो इस पूरी की वैल्यू है यानी y कैप। अब मैं y कैप ड्रॉ करने जा रहा हूं, अब जब मैंने y कैप ड्रॉ किया तो y कैप मुझे कुछ ऐसा नजर आया, अभी जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, इसको अल्फा प्लस बीटा एक्स को, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है अल्फा प्लस बीटा एक्स को, यानी एक तरफ वाई है और दूसरी तरफ ये इक्वेशन है। अब यहां पर जरा गौर से देखें कि अब मैं इस वाई और ये जो ग्रीन है ये इक्वेशन यानी वाई कैप, अब इसके दरमियान देखें, इसके दरमियान का गैप देखें, जितना भी आपने टाइम पीरियड लिया है आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो अगर ये y और y कैप के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो अगर ऐसा हो जाए, यानी पूरे सैंपल में ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इन वेरिएबल्स के दरमियान OLS रन कर सकते हैं, और इसका मतलब है सीरीज आपस में क्या है, को इंटीग्रेटेड है, सीरीज आपस में क्या है, को इंटीग्रेटेड है। अब इसको टेक्निकल टर्म में समझ लें कि यहां पर दोनों जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स और वाई हैं, उन दोनों में क्या मौजूद है, ट्रेंड मौजूद है, इसका मतलब है वो आई जीरो तो नहीं है, वो क्या होंगे I1। तो ऑल वेरिएबल्स कैसे हैं, आर I1, सारे वेरिएबल्स y x ये सारे कैसे हैं I1। I1 का मतलब है लेवल पे नॉन स्टेशनरी है यानी ट्रेंड है। लेकिन अगर इनके दरमियान का गैप की बात करें, ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है y माइनस y बार यानी एरर, और एरर पूरे सैंपल में आपको कैसा नजर आ रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर का कांस्टेंट नजर आने का मतलब है इसका मीन कांस्टेंट नजर आ रहा है, वही एवरेज वैल्यू, इसका वेरियंस कांस्टेंट नजर आ रहा है, वही एवरेज वैल्यू, इसका कोवेरियंस कांस्टेंट नजर आ रहा है। जब ये तीनों कंडीशन जिसमें पूरी हो जाए, इसका मतलब वो सीरीज कैसी है, वो सीरीज स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी एट लेवल,
तो टेक्निकल बात क्या हो गई कि अगर सारे के सारे वेरिएबल्स कैसे हो, आई वन हो यानी उनमें ट्रेंड मौजूद हो, और उनमें ट्रेंड मौजूद हो यानी वो कैसे हो, नॉन स्टेशनरी हो, जबकि इस इक्वेशन की जो एरर टर्म निकले वो कैसी हो, वो लेवल पर स्टेशनरी हो. अगर वेरिएबल सारे कैसे हो, नॉन स्टेशनरी हो, और इनके दरमियान का एरर कैसा हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, तो अगर ये कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब है गैप देखकर आप कह सकते हैं आप ओएलएस रन कर सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज के दरमियान यानी वेरिएबल्स के दरमियान क्या मौजूद है, को इंटीग्रेशन मौजूद है. यहाँ एक छोटी सी चीज़ आप और देख लें, क्योंकि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तब भी यही कॉन्सेप्ट है. क्यों? अगर बीटा वन एक्स वन है तो बीटा टू एक्स टू आएगा, और यहाँ ये जो ग्रीन लाइन है ये इसी बीटा टू एक्स टू इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वेरिएबल एक हो इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में कोइंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि वेरिएबल्स कैसे हो, आई वन हो, फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी हो, और इनके दरमियान का जो एरर आ रहा हो वो कैसा हो, लेवल पे स्टेशनरी हो. अगर ऐसा है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पूरे सैंपल में कांस्टेंट है. रिलेशनशिप पूरे सैंपल में कांस्टेंट होने का मतलब है अगर आप एक इक्वेशन मालूम करेंगे तो इसके जो स्लोप या इंटरसेप्ट कोफिशिएंट आएंगे वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे. इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आप ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं, और इसी चीज़ का नाम, इसी चीज़ को कहते हैं सीरीज आपस में क्या है, को इंटीग्रेटेड है. तो ये था कॉन्सेप्ट आपका को इंटीग्रेशन. इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोइंटीग्रेशन आ गए तब आप ओएलएस अप्लाई कर दें, अदरवाइज नहीं करें. तो कोइंटीग्रेशन आने का क्या मतलब है, कोइंटीग्रेशन आने का मतलब यह है कि अगर हम इस इंडिपेंडेंट और सारे इंडिपेंडेंट के दरमियान इस रिलेशनशिप को देखें और ये रिलेशनशिप इस तरीके से कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप ओएलएस रन कर सकते हैं. इसी चीज को टेक्निकल टर्म में, कोइंटीग्रेशन को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, हम इसको कहेंगे कि सीरीज आर को इंटीग्रेटेड व्हेन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो ये है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वाई और एक्स एक्स वन एक्स टू जो भी है, लीनियर कॉम्बिनेशन इनके दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है, इज स्टेशनरी. ये टेक्निकल टर्म है जो बुक्स में इस्तेमाल होती है. सीरीज आर कोइंटीग्रेटेड यानी सीरीज आपस में कोइंटीग्रेटेड है, यानी आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओएलएस अप्लाई कर सकते हैं. व्हेन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी, लीनियर कॉम्बिनेशन इज स्टेशनरी का मतलब यह है कि अगर हम वाई बार और वाई के दरमियान रिलेशनशिप देखें तो थ्रू आउट द सैंपल हमें कैसा नजर आए, कॉन्स्टेंट नजर आए. इसी को कहते हैं कोइंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे सैंपल में रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है, और इसी को टेक्निकली हम कहेंगे देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप. देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप, इट मीन्स कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट. यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हम कोइंटीग्रेशन चेक ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि सारा रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है और हमें वैसे भी नजर आ रहा है, तो कोइंटीग्रेशन टेस्ट लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है कि रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है या नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है. इसलिए अगर वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हो तो आप डायरेक्ट क्या रन कर देते हैं, ओएलएस रन कर देते हैं. कोइंटीग्रेशन से पूछने की जरूरत नहीं होती कि क्या हम ओएलएस रन कर दें. लेकिन जब वेरिएबल कैसे हो, नॉन स्टेशनरी हो और फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी हो रहे हो, तो उस वक्त हमें कोइंटीग्रेशन से ये पूछना पड़ेगा कि क्या हम ओएलएस रन कर सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में अगर कंडीशन ये हो जाए कि वेरिएबल सारे नॉन स्टेशनरी हो लेवल पे और फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी हो और इनसे निकलने वाला एरर लेवल पर स्टेशनरी हो, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ कोइंटीग्रेशन, इट मीन यू कैन अप्लाई ओएलएस इन दीज वेरिएबल. तो आई होप ये कोइंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा. अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें.